प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। पहले हमने जो है विद्युत विभव और विभवांतर को परिभाषित किया था और आज हम पढ़ लेते हैं विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हम सबसे पहले, क्योंकि विभव को हमने परिभाषित किया था कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को गति करवाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब ये जो परिभाषाएं हैं ये संरक्षी बल क्षेत्र में लागू होती हैं, और विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कहीं पर विद्युत क्षेत्र है जिसकी ये बल रेखाएं हैं, तो कहीं पर भी हम स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ ये माना जाए कि जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, यानी हम एकांक धनावेश को अगर ए से बी तक गति करवाएं, इसको पथ का हम एक अल्पांश ले सकते हैं जिसे डीआर या डीएल अल्पांश के रूप में, तो इसकी दिशा एक तरह से स्पर्श रेखीय ये हो गई, और यहाँ स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मानी जा सकती है। ये मान लेते हैं कि कोण थीटा है, मतलब ई और डीआर के बीच का कोण थीटा है। अब विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें क्या होगा। विद्युत बल जो हमारे पास यहाँ पे एकांक धनावेश पर लगता है उसको हम लिखते हैं क्यू नॉट ई से, यानी एफ ई बराबर क्यू नॉट ई। इस बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है, यानी हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। अब अगर मान लो यहाँ पे डी आर विस्थापन होता है, यानी ए से बी तक विस्थापित करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डी आर अल्पांश हम मान सकते हैं, दूरी के छोटे छोटे अल्पांश, तो उस केस में एक छोटे से अल्पांश के लिए विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य हम लिख सकते हैं एफ ई डॉट डी आर वैक्टर, एफ ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर बल इंटू विस्थापन के फॉर्मूले से, इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डॉट डी आर वैक्टर। अब हालांकि हमने विद्युत विभव को परिभाषित इस टाइप से किया था कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लेकिन वो एक्चुअल में विद्युत बल के विरुद्ध होता था, ये विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए हमने इसको लिखा है डी डब्ल्यू ई। अगर हम इस कार्य को टोटल निकालना चाहें, यानी सभी अल्पांशों के लिए ए से बी के बीच में जितने भी अल्पांश हैं उन सब के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समाकलन ए से बी तक क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ये कार्य एक तरह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, यानी इसको हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि जैसे एकांक धनावेश को गति करवाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, उसी टाइप से किसी आवेश को गति करवाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो इस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में ले सकते हैं, यानी यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं
डब्ल्यू ई बराबर माइनस डेल्टा यू, एक संबंध होता है कार्य और स्थिति ऊर्जा के बीच में, डब्ल्यू ई बराबर हम लिखेंगे माइनस डेल्टा यू, या फिर डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अब एकांक धनावेश के लिए किया गया यही कार्य, यानी स्थिति ऊर्जा बटा क्यू नॉट, ये हमारे पास बचेगा ए से बी ई डॉट डी आर। अब इसको हम विभवांतर कह सकते हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब क्योंकि यहाँ हमने स्थिति ऊर्जा के कंसेप्ट से लिया है, डायरेक्ट मैं इसको डेल्टा वी के रूप में लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बराबर माइनस ए से बी ई डॉट डी आर। अंतिम पॉइंट हमारा बी है, इसका मतलब ये हो गया एक तरह से वी बी माइनस वी ए, डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे ये भी बात विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य है कि हम अगर इस केस में देख रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा, जबकि कार्य पॉजिटिव है, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है। तो एक संबंध तो हमारा ये हो जाता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर ए टू बी। अब अगर मान लो जो ए पॉइंट है हमारा वो अनंत पर हो, ए अनंत पर हो, तो फिर हम, क्योंकि अनंत का विभव जीरो होता है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं केवल बी का विभव माइनस ऑफ इन्फानेट टू बी ई डॉट डी आर। मतलब एक तरह से ये बी बिंदु का विभव परिभाषित हो जाता है, यानी हम ए पॉइंट जो अनंत पर है वहाँ से एकांक धनावेश को बी पॉइंट तक लेकर आए हैं, तो उस केस में वी बी बराबर माइनस इन्फानेट टू बी ई डॉट डी आर। और अदर देन ये एक रिलेशन है वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। तो इस टाइप से अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का कोई फंक्शन दे रखा हो तो हम विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। किसी भी बिंदु के लिए हम अगर डायरेक्ट लिखें तो वी बराबर लिख सकते हैं हम इन्फानेट टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अनंत से एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में उस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर लेके आते हैं, तो किया गया कार्य यानी उस बिंदु का विभव माइनस ऑफ अनंत से स्मॉल आर समाकलन ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर को यानी टोटल, इसको हम बोलते हैं रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि जितने भी डी आर अल्पांश हैं उन सभी डी आर अल्पांश का हम ई के साथ अदिश गुणनफल कर रहे हैं और उनका समाकलन देख रहे हैं। तो एक संबंध तो यहाँ तक हो जाता है, यानी कि एक तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी हो तो हम विद्युत विभव की गणना किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं। अब जैसे आगे हम देखें, क्योंकि विद्युत विभव तो अदिश है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो उस केस में यहाँ पर मैं अगर dv के रूप में इसी को लिखता हूँ तो dv बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, यानी ये जो हमने लिखा है डेल्टा वी, डेल्टा वी एक तरह से वी बी माइनस वी ए हैं, लेकिन इसको अल्पांश के रूप में यानी केवल डी आर के लिए लिखा जाए तो उस केस में ये अल्प विभवांतर हो जाएगा डी वी माइनस ई डॉट डी आर, या इसको हम लिखें ई डी आर कॉस थीटा डी वी, या इसी को हम इस टाइप से भी लिखें ई कॉस थीटा इंटू डी आर। ई कॉस थीटा इंटू डी आर का मतलब ई का इधर घटक
ई का इधर घटक एक तरह से हो गया ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अल्प विभवांतर हैं डी आर अल्पांश के सिरों पर, वो ई के कॉस थीटा घटक यानी जो डी आर की दिशा में है उसके और अल्पांश के गुणनफल के इक्वल होगा, लेकिन नेगेटिव माइनस में। अब इसी को हम अगर इस टाइप से लिखें यानी ई कॉस थीटा, तो ये लिखा जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डी वी बाई डी आर को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। वैसे ये एक जनरल कंसेप्ट है कि दूरी के साथ किसी राशि में परिवर्तन की दर जब हम निकालते हैं तो हमेशा उसे हम उस राशि की प्रवणता के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो है विभव की प्रवणता के रूप में होगा। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो उस केस में कॉस 0 1 होगा, और कॉस 0 1 होगा तो ये हमें जो भी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा यानी डी वी बाई डी आर मैक्सिमम। तो विभव प्रवणता की अधिकतम वैल्यू है ये, और अधिकतम वैल्यू किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। अब हम यहाँ पे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो फिर हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे। तो हम इसको जो है अलग अलग घटकों में जैसे ई एक्स ई वाई ई जेड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 घटक बना सकते हैं और तीनों घटकों को हम एक तरह से आंशिक अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। आंशिक अवकलन के रूप में लिखने का तरीका है ई एक्स को हम लिखेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, जैसे यहाँ पे डी वी बाई डी आर ये एक तरह से पूर्ण अवकलन है, लेकिन इसी पूर्ण अवकलन को हम जब अलग अलग अक्षों के अनुदिश देख रहे हैं तो आंशिक अवकलन में चेंज करेंगे। तो डेल वी बाई डेल एक्स दिशा आई कैप होगी, ऐसे ही ई वाई को लिखा जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड होगा डेल वी बाई डेल जेड। जब इसको हम कंप्लीट लिखेंगे यानी ई वेक्टर, तो ये लिखा जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप दिशा सहित। ई एक्स हमारे पास में है डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा आई कैप। अब क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं, ये साइन नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास में वी को भी कॉमन लेने के बाद बचेगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, और यहाँ आ जाएगा वी। वी यानी विभव एक अदिश राशि है। ये जो हमें दिख रहा है कोष्टक के अंदर, ये पूरा का पूरा एक सदिश होगा, वेक्टर होगा, और इस वेक्टर को हम एक नाम देते हैं जैसे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये वेक्टर कहलाता है ग्रेड, ग्रेड या ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर। संकारक, हिंदी में बोलते हैं संकारक, डेल ऑपरेटर। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V, ग्रेड V, और ग्रेड यहाँ पे एक वेक्टर है। तो इस टाइप से
हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में एक संबंध निकाल लेते हैं, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिमाण जो है वो विभव प्रवणता के बराबर होता है और दिशा विभव प्रवणता के विपरीत होगी। या यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने जो डायग्राम बनाया है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इस टाइप से दिखाई है, इसका मतलब ये एक तरह से स्पर्शरेखीय विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई, और हम जो इस टाइप से गति करवा रहे हैं ए से बी की तरफ एकांक धनावेश को, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में हमेशा कमी आएगी। कारण क्या है कि धनावेश एक तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस स्थिति में क्योंकि जिस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धनावेश के कारण धन विभव उत्पन्न होता है जिसको हम उच्च विभव कहते हैं, ऋणावेश के कारण निम्न विभव होता है जिसको हम यानी ऋण विभव होता है जिसको हम निम्न विभव कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, तो इसका मतलब धनावेश के गमन की दिशा भी वही है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए का विभव ज़्यादा है और बी का विभव कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है या विभव प्रवणता नेगेटिव होती है। तो E बराबर माइनस ग्रेड V का मतलब यही है कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो परिवर्तन अधिकतम होता है। तो ये हमारे पास में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध आ गया, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से। इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम बहुत सिंपल से जो हैं क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई v का फंक्शन दे रखा हो, सिंपल सा v का फंक्शन लेता हूँ मैं, v इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब अगर v इक्वल टू 2x स्क्वायर दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू 1 पर e की वैल्यू क्या होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे इसका अवकलन, क्योंकि हमारे पास में E बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और यहाँ पे क्योंकि अकेला x है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवकलन है वो केवल x के सापेक्ष करना है। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर। अगर मान लो हमारे पास में x, y और z तीन या कम से कम दो दे रखे हों तो उस केस में हम इसको वेक्टर में भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वन डायरेक्शन है इसलिए हम इसको वेक्टर में दिखाएं या नहीं दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिखाते हैं तो यहाँ पर हम आई कैप लगा सकते हैं और कोई विशेष नहीं है। तो ये बन जाता है इसका अवकलन 2 × 2x आई कैप मीन्स 4x आई कैप, और x की जगह अगर एक रखते हैं तो ये हो जाएगा 4i कैप, यानी विद्युत क्षेत्र हुआ 4 − 4i कैप। ये एक तरह से i कैप जो है वो तो दिशा हो जाएगी और ये इसका परिमाण हो गया 4। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो v इक्वल टू 6xy प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे Ex जो होगा माइनस dv बाई dx, यानी माइनस d बाई dx 6xy प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस 6xy का अवकलन x के सापेक्ष हुआ 6y, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऐसे ही ey निकालेंगे
तो माइनस डी वाई डी एक्स सेम लिखेंगे, सॉरी डी वाई डी वाई, सिक्स एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन। यहाँ पे अवकलन जो है वो हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस टू वाई, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अब ये जो दो घटक आए हमारे पास में e के, उनको हम ऐसे लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, यानी माइनस सिक्स वाई प्लस टू एक्स आई कैप इसका हो गया, और इसमें से भी अगर माइनस को कॉमन ले लें तो सिक्स एक्स माइनस टू वाई जे कैप। ये विद्युत क्षेत्र का जो है एक तरह से दिशा सहित फॉर्मूला जो हमने इस क्वेश्चन के रूप में किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पे आधारित कुछ डेरिवेशन करेंगे, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे हमने पहले और दूसरे लेसन में पढ़ रखी है, उससे हम विभव का कैलकुलेशन करेंगे। धन्यवाद।